जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, इसको लेकर के लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष से ये कहने की कोशिश कर रही है और कह भी रही है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन इसी को लेकर के आज कृषि मंत्री सरबजीत सिंह ने भी कहा है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। जो लोग शराब बेचते हैं उन्हें शराब बेचना छोड़कर सरकार उन्हें 1,00,000 रुपया दे रही है उस पर काम करें। पासी समाज के बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो तारी छोड़ करके खास करके रोजगार करें, सरकार उन्हें 1,00,000 रुपया दे रही है, मुआवजा नहीं देगी। किसी भी हालत में सरकार मुआवजा नहीं दे सकती है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं सरबजीत, छोड़े जाते हैं उनके तमाम वीडियो के साथ। लोगों को मना करना कि भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सवाल अभी मुआवजा का नहीं है ना, सवाल है कि आपके ऐसे युवाओं को रोजगार कब देगी देश के प्रधानमंत्री। अभी सवाल ये है, ये मुआवजा और इसमें कह करके और जनता को भ्रमित करने की प्रयास नहीं किया जाए। देश के नौजवानों ने वोटिंग किया था नौकरियों के नाम पे, रोजगार के नाम पे, उसके लिए इन्होंने जो इतने वर्षों से सरकार चलाया, कितने व्यक्तियों को इन्होंने नौजवानों को नौकरी दे दिया, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इतनी बड़ी सदन है, उनके परिजनों का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके घर में कमाने वाला था वो संघ चला गया, हाँ। उसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है? सरकार तो 1,00,000 रुपया का प्रावधान है ना। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि नेगेटिविटी को छोड़ करके ये जो 1,00,000 रुपया दिया जाता है ना शराब बेचने वाले को कि मत बेचो, इसका प्रचार प्रसार आप करा दीजिए और यह प्रचार प्रसार सुशील मोदी जी को जिम्मेवारी दीजिए। इसका प्रचार प्रसार जो 1,00,000 रुपये उन्हीं के समय ये बना था, तो ये 1,00,000 रुपया कैसे मिलेगा ये भाजपा के सभी साथियों से पूछिए कि क्या ये 1,00,000 रुपया जो शराब बेचने वाले को दिया जाता है इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सवाल उनसे पूछिए। जो मरे हैं उनको मुआवजा को लेकर सरकार कोई, भाई हम तो 1,00,000 रुपया की व्यवस्था रखे ही है ना, 1,00,000 रुपया की शराब नहीं बेचिए, हम रोजगार का ऑलरेडी 1,00,000 रुपया हम देने को तैयार हैं। पीने से जो मरे हैं हम पिछला रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि सुशील मोदी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री, कितने शराब पीने वालों को मुआवजा दी गई उनके रीजन में, इसका आंकड़ा हमें दे दें, हम मुआवजा दे दें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।